नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चूंकि बात आज महाराष्ट्र की हो रही है, बारामती की जनता का तालियों के साथ जबरदस्त स्वागत। आज जितने कैमरे हैं बारी बारी से बारामती की जनता दिखा दीजिए। इस घोर गर्मी में भी भारी तादाद में इधर भी देखिए लोग खड़े हैं, नीचे भी बैठ गए हैं, कोई जगह कोई छोड़ नहीं रहा है। इधर भी वैसे ही लोग खड़े हैं, कोई टेबल पर कोई कुर्सी पर, सब अपनी अपनी बात कहने वाले। पिछले 28 साल से ये शरद पवार का गढ़ है जहां पर आज हम मौजूद हैं। 2009 से लगातार उनकी बेटी 3 बार से सुप्रिया सुले यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस बार जंग बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अजीत पवार चल गए हैं बीजेपी के साथ और शरद पवार रह गए हैं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ। दूसरी बड़ी बात क्या है कि अगर अजीत पवार यहाँ पर बतौर विधायक और जब परिवार के अन्य लोग दिल्ली में होते थे तो इसी बारामती को अजीत पवार संभालते थे। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार इस बार चुनावी मैदान में इसी बारामती से सामने आई हैं और उनके सामने हैं सुप्रिया सुले। तो भौजाई और ननद, भाभी और ननद जो है वो आमने सामने बारामती में इस बार लड़ने वाले हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए, मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नवनत पटकर साहब, तालियों के साथ स्वागत है। अतुल लौंडे पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब दोनों एनसीपी वाले से मिलिए भाई, अच्छे से इनकी पहचान कराइए। फोटो देखिए, देखिए असली एनसीपी कौन नकली कौन ये जनता तय करेगी, लेकिन तालियों के साथ दिखाते हैं हम। एनसीपी जो यहाँ पर अजीत पवार गुट के हैं, उनको घड़ी वाला सिंबल मिला है, तो उनके पटके पे आपको वो सिंबल दल दिख रहा है। अविनाश आदिक साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और दूसरी तरफ जो गुट है उसमें एनसीपी शरद चंद्र पवार, ये गुट है, उनका भी स्वागत कीजिए। हमारे साथ झुक रहे हैं विकास लवंडे साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कालूराम चौधरी जी, नेता बीएसपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारी तादाद में इनके भी समर्थक आ गए हैं। पता नहीं महाराष्ट्र में कितनी सीटें आप जीते हैं आज तक, जीतेंगे, लेकिन मंच पर आप आना चाहते थे, अच्छा है। जितने पक्ष आए उतनी अच्छी बात है, सबकी बात होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि बारामती की जनता और नेता आमने सामने हो, जल्दी से आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय के हेलीकॉप्टर शॉट में। आज सबसे पहले जब हम ठाणे से निकले तो सुबह सुबह पहुंचे कल्याण। कल्याण 45 किलोमीटर दूर है मुंबई से, लेकिन वहां पर भी जबरदस्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहां पर श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के बेटे, चुनावी मैदान में। और उसके बाद हम पहुंचे पुणे। क्या कह रही है यहां पर जनता, छोटी सी अपनी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर सीधे जनता और नेता बारामती में आमने सामने। सौ किलोमीटर की दूरी तय करके राष्ट्रलक का यह हेलीकॉप्टर शॉट अब आगे बढ़ने वाला है महाराष्ट्र के ही अन्य हिस्सों में। आज हम सबसे पहले जाएंगे कल्याण। तो मुंबई से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी और ठाणे से 15 किलोमीटर की दूरी में हम पहुंच गए हैं कल्याण। कल्याण सीट इस बार मुंबई के आसपास सियासत का सेंटर इसलिए बना हुआ है क्योंकि महायुति में ये सीट मिल गई है एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को। श्रीकांत शिंदे ये चाहते थे कि कल्याण से, वो पिछली बार भी जीते थे, ये ठाणे को लेकर अभी भी मामला निपटा नहीं है महायुति में कि वहां से कौन होगा महायुति की तरफ से उम्मीदवार। लेकिन कल्याण सीट में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार वो चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से, उद्धव ठाकरे गुट से जो वैशाली दरेकर को बनाया गया है उम्मीदवार, वो पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर भी रह चुके, एक वक्त पर राज ठाकरे की पार्टी में भी थी यहाँ पर। लेकिन क्या वाकई केक वॉक जिसे कहते, बहुत आसान होगा श्रीकांत शिंदे के लिए, या लड़ाई होगी, जंग होगी? असली शिवसेना कौन, नकली कौन, वो लड़ाई हर जगह महाराष्ट्र में कायम है। आइए चलते हैं, बात करते हैं कल्याण की जनता से, पार्टी के प्रतिनिधियों से, क्या है उनकी राय, क्या है चुनावी मुद्दे। चलिए, इस बार माना जा रहा है कि पूरी जो लड़ाई है ना, असली शिवसेना कौन की है, जनता डिसाइड कर देगी इस बार कि असली कौन है। क्योंकि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि पूरे जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो ठाकरे परिवार के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ। असली और नकली का खेल जो खेल रहे हैं इस महाराष्ट्र में,
वो खाली इतना ही उनको कहना है कि उनका साथ 2014 में वो मोदी के साथ थे, 2019 में भी वो मोदी के साथ थे और आज वो राहुल गांधी के साथ है, तो ये कौन सी नीति है उनकी? एकनाथ शिंदे साहब ने उद्धव जी के बाप का नाम चुरा के पक्ष खड़ा किया है, तो कैसे हम लोग ओरिजिनल शिवसेना है? ये असली नकली के क्या बात है? आप देखेंगे कि तीर कमान निशान जो है वो हमारे पास है, नाम जो है वो हमारे पास है। पूरा देश हुकुमशाही की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। जो भी मोदी के खिलाफ बोल रहा है वो जेल में है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉल के बॉन्ड के चक्कर में किसने चोरी की और उसके ऊपर एक्शन कब होगा? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ये हमने ही बाहर लाया है, हमने ही उसको एक्सपोज किया है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने जब 2014 में आए थे उन्होंने कहा था कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आज सबका साथ सबका विकास तो हमको नहीं दिख रहा है। माइनॉरिटी को पूरा, मुसलमान को पूरा दबा दिया गया है। तीन तलाक किसने लेके आया? भारतीय मोदी सरकार ने लेके आया तीन तलाक। इसके पहले इन्होंने महिलाओं को दबा के रखा था। कल्याण की जनता की बात आपने सुन ली, आइए अब सीधे यहाँ से रवाना होते हैं। तो अब राष्ट्रीय का हेलीकॉप्टर पहुंच गया है पुणे। पुणे में क्या तीसरी बार हैट्रिक बीजेपी मारेगी या फिर कांग्रेस करेगी वापसी? पूछते हैं जनता से उनके चुनावी मुद्दे। चलिए, कांग्रेस के राज में पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे घर में घुस के मारते थे, मोदी के राज में हम उनके घर में घुस के मारते हैं। मोदी 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 जी ने 70,000 करोड़ घपले का आरोप लगाया अजीत पवार पर और 3 दिन में उनको डेप्यूटी सीएम बनाया। छगन भुजबल, हम झूठ की आवाज दबा रहे, ये झूठ झूठ नहीं चलेगा, जेल की झूठ की आवाज दबा रहे। पुणे में पिछले 10 साल में विकास नहीं हुआ है। कभी भी कोई भी आदमी, कोई ग्राउंड लेवल के आदमी के लिए काम नहीं करता। स्मार्ट सिटी कहाँ गई? इसका सवाल, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जो डिमोनेटाइजेशन था उसके बारे में जो घोटाला हो गया उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जो महिलाओं पे अत्याचार हो गया उसका जवाब देना पड़ेगा। जनता अभी देखेगी कि कौन सा लीडर उनकी पानी की समस्या, ट्रैफिक की समस्या अच्छी तरह से सॉल्व किया है। बार बार 2014 में भी, अब की बार मोदी सरकार, 2019 में भी वही और अभी भी वही, अब की बार। अरे दूसरा अगर कोई रहेगा ना, इन्होंने रखा ही नहीं ना कोई। यहाँ से अब हमारा कारवां रवाना होगा सीधा बारामती के लिए, जहाँ पर सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है, क्योंकि भाभी और ननद है आमने सामने। एक तरफ सुप्रिया सुले है, शरद पवार की बेटी, तो दूसरी तरफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। आइए चलते हैं बारामती। पहले आज बीजेपी और कांग्रेस से सवाल नहीं करेंगे, आज दोनों एनसीपी से सवाल करेंगे, क्योंकि जनता को यहाँ पर यही तय करना है कि सुप्रिया सुले यानी शरद पवार की बेटी या फिर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, पवार वर्सेस पवार की इस जंग में कौन बनेगा सांसद बारामती का। पूरे देश की नजर इस सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे ये भी तय होगा कि जनता ने अगर पार्टियों में दो फाड़ हुई है, एक हिस्सा एनडीए की तरफ एक हिस्सा इंडिया की तरफ, तो जनता इस फाड़ को किस तरह से देखती है, या आने वाले वक्त में देश की राजनीति की जो बयार है उसको भी तय करेगा। तो सबसे पहले चलते हैं, जो हमारे साथ अजित पवार गुट के अविनाश आदिक जी है, क्यों चुनेंगे भाई, क्यों चुनेंगे सुनेत्रा पवार को, यहाँ की जनता क्यों चुनेगी? अभी तक शरद पवार, सुप्रिया सुले 3 बार से सांसद है, 7 बार रह चुके हैं। शरद भाई, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये 4 लाइनें पहले आपको सुना देता हूँ, उसके बाद आपकी आपका जवाब भी देता हूँ। जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूं, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूं। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारी सोच से लेकिन बड़ा हूं। इन 4 लाइन्स में वो सारी बातें आ गई जो आपने पहले कही थी। नहीं नहीं, एकदम आ गई। बारामती की इस गर्मी में, इस चुनावी तापमान में आपने शेरो शायरी से शुरुआत की है। आपने पर चुने क्यों? अगर शेरो शायरी है, पवार तो इस्तेमाल करें। इसलिए चुने कि हमको बारामती को और विकसित करना है। हाँ। हमको अजीत दादा को और ताकत देनी है। जो बारामती को आप देखती हैं, तो देखती है कि बहुत अच्छी तरह से इस असेंबली सेगमेंट का विकास हुआ है। अगर हम सब चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र को इसका लाभ मिले। ठीक है, विकास लवांडे जी, अब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए जल्दी से, फिर मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए, आप जिस बारामती आए हो, इस बारामती की पूरी वर्ल्ड में पहचान है वो शरद पवार नाम के।
और जिस इलेक्शन में हमारी नेता संसद महारत्न सुप्रिया ताई सुले खड़ी है वो मेरिट पे खड़ी है। उन्होंने खुद को लोकसभा में सिद्ध किया है और सुप्रिया ताई एक बड़ी लीडर है। वो संसद महारत्न 8 बार 9 बार बन गई है। वैसे तो लोगों ने इलेक्शन हाथ में लिया है। हमारे इधर बारामती लोकसभा मतदार संघ जो है इसमें जो कि गारंटी मोदी दे रहे सबको, मोदी की गारंटी यही है जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी वो सबसे ज्यादा बड़ा पदाधिकारी, ये मोदी की गारंटी है। और इधर अभी पर थोड़ा तो बताइए साहब कि ये भ्रष्टाचारियों को आप छुपा छुपा के झोली में रखते काहे को हैं? नहीं हम नहीं बोले, वो तो मोदी साहब बोले खुद प्रधानमंत्री भोपाल में। आपने अभी बोला भोपाल में मोदी साहब बोले खुद 4 दिन पहले और 5वें दिन में दादा को DCM बनाया। अब जवाब दीजिए, मोर्चा संभालिए बीजेपी की तरफ से। आज तक का मैं बहुत स्वागत करता हूँ बारामती में। अभी जो बातें चल रही है ये लोकल से ग्लोबल तक ये चीज होनी चाहिए। अभी बारामती लोकसभा का चुनाव जो है ये देश पूरा देश नहीं दुनिया देख रही है। इसकी वजह ही है पिछले 55 साल में विकास का जो यहाँ बहुत बड़ा एक माहौल दिखाया गया है उसको फाड़ के ये दुनिया यहाँ पूरा निकाल रिजल्ट बदल देने वाली है। और मोदी जी के साथ में मोदी जी के टून में यहाँ की जनता भी जाने वाली है। इसका रिजल्ट आप जून में 4 तारीख को देखने वाले। नहीं पर सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि चक्की पिसिंग से गंगा स्नान हुआ कैसे? पिछले 25 साल जो भी लोग इनके साथ में थे तब तो ये चक्की नहीं पिस रहे थे। श्रीखंड का भूखंड अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब तक न्याय व्यवस्था, अगर हमारा न्याय व्यवस्था पे भरोसा है तो न्याय व्यवस्था अपना काम ले रही है। ये सब राजनीति के इश्यूज अब आप राजनीति के इलेक्शन में आप ला रहे हो लेकिन ये सब गलत बात है। आने वाले दिन में कौन चिक्की पिस रहा है, कौन भ्रष्टाचारी है, ये जनता अभी आने वाली 7 मई को तय करने वाली है। हम वो देखने वाले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अतुल लौंडे पाटिल साहब कह रहे हैं कि वो तीसरी बार सत्ता में आएंगे और उसके बाद भ्रष्ट जितने भी अन्य पार्टियों के नेता हैं उन सब पर कार्रवाई और भी सख्त होगी। वो कह रहे हैं कि जाइए अगर आपको राह चाहिए तो कोर्ट से लीजिए, जो जो नेता जेल में है अभी विपक्ष के उनको तो कोर्ट से बेल नहीं मिल रही, तो ऐसे में फिर कौन कहीं सही कौन गलत? अंजना जी जेल का मतलब भाजप है क्या? और कोर्ट का मतलब भाजप है? और देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए वही बनेगा क्या? यही सजा होगी ना? तो आपने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को आप अपने पास क्यों रखते हो, तो एक शरद पवार जी के लिए और राहुल जी के लिए एक शेर मैं भी सुना देता हूं अविनाश भाई को। जिसके दालान में चंदन का ताड़ होगा, जिसके दालान में चंदन का ताड़ होगा उसके वहां सांपों का आना जाना होगा। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं बारामती की जनता को। बारामती का शहर तो ऐसा है कि अरुण जेटली जी यहां आए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसे 80 बारामती अगर देश में बन जाए तो देश का विकास हो जाएगा। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक स्मार्ट सिटी दिखा दीजिए, हम साथ में आते हैं बारामती के लोगों के साथ। आप मुझे देश में एक गोद गांव दिखा दीजिए, हम आपके साथ में आते हैं। आपने देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी दी है, आपका योगदान हम बताते हैं। आपने जब नोटबंदी की तो देश के मंत्रियों के मोबाइल छीन लिए थे और देश को लाइन में लगा दिया था और देश के छोटे और मंझोले उद्योग को खत्म कर दिया था। आपने 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आपने 10 साल में 2,05,000 करोड़ का कर दिया, 205 लाख करोड़ का कर दिया। तो आपकी उपलब्धियां कुछ नहीं है, आपकी उपलब्धियां एक ही है, बांटो और राज करो। अंग्रेजों से सही सीखा है आपने, स्वाधीनता संग्राम में भी अंग्रेजों के साथ थे और आज भी उनकी नीतियां चला रहे। घर तोड़ो, पार्टी तोड़ो, रिश्ते तोड़ो, खुद के तो रिश्ते बनाए नहीं और जो लोगों ने रिश्ते बनाए हैं वो रिश्ते तोड़ रहे हैं। आज मैं बारामती में था दोपहर से, ये प्रोग्राम के लिए आया था लेकिन बारामती में दोपहर से घूम रहा था मैं। केवल पार्टी नहीं तोड़ी है, महाराष्ट्र की जनता ऐसी नहीं है, महाराष्ट्र की जनता इस तरह की राजनीति नहीं चाहती है। और मुझे जब यहां आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अवस्था महाभारत के अर्जुन जैसे हो गई है, लेकिन मेरे अंदर के कृष्ण ने कहा युद्ध कर, क्योंकि सच के लिए युद्ध करना है। और ये महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये महाराज शाहू फुले अम्बेडकर का है। तो रामकृष्ण हरी कालू राम जी बताइए कैसे जिताएंगे?
कौन सी सीट दिला रहे बीएसपी को? सर झुकाया देखा हमने हिमालय की चोटी ने, सर झुकाया देखा हमने हिमालय की चोटी ने, और परिवर्तन की लहर लाई है भीमराज की बेटी ने। जो आर्यावत है ना, आर्यावत में नागवंश का सेनापति आकाश आनंद ने घेर दिया है उत्तर प्रदेश को। अब ये जो बोल रहे हैं कि मोदी जी बोले थे कि 15 लाख देंगे, अब 5 लाख के राशन पर लाकर रखा है, 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब जब 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, जो बच्चे मोदी मोदी पुकार रहे थे वो 25 साल के थे, आज 10 साल हो गया, वो उनकी एज बार हो गई। अब जो परीक्षा दी उसमें भी पेपर लीक किया ये कांग्रेस राष्ट्रवादी और बीजेपी वालों ने, पैसा लेकर ये नौकरियां दे अभी रहे। तक ये कांग्रेस वाले आपके लिए ताली बजा रहे थे, रोज सभी एक ही बात सब चोर मोसेरे भाई है। कांग्रेस वालों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, सबने किया है, मध्य प्रदेश में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, राजस्थान में किया है। अब जब बात चली थी 15 लाख की, वो 5 लाख के राशन पर लाया, और मोदी जी ने देश भर में 84 करोड़ टॉयलेट बनाए, हमारे यहाँ अजीत दादा ने 97 लाख रुपए का एक ही बनाया है। और वो ये एनसीपी वाले बोलते है वो 5 स्टार टॉयलेट है, 5 स्टार, अब पता नहीं कौन सा बनाया है। चलिए आप दोनों बीजेपी और एनसीपी की तरफ से कौन सा 5 स्टार टॉयलेट है भाई बताइए। देखिए अभी इनकी बात का मैं जवाब ही दूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने उनकी पूरी बात सुनी, वो कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि सारा बदलाव देश में बहन जी लाएंगी। अब मेरे ख्याल से यहाँ वैसे जितनी जनता है इसकी अगर हम संख्या ले, आप और मैं भी अंजना जी इसमें अपनी गिनती करा लेते हैं, आपके घर में मेरे घर में जितने जूते पर्स होंगे उससे ज्यादा तो बहन जी के घर में, और आप टीका टिप्पणी बाहर आके करते हैं। बारामती को देखने के बाद आपको ख्याल करना चाहिए भाई साहब कि हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। थोड़े जिम्मेदारी से बात कीजिएगा, हम आपको बात करने का पूरा मौका दे रहे हैं, बीच में टोक नहीं रहे, तो ये बात सही है नहीं। और जहां तक बारामती का विकास की बात कर रहे हैं, आपने तो एक काम गिनाया, अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो गिनती कर पाएंगे नहीं, इतना काम बारामती में हुआ है। और ये कांग्रेस वाले भी मानते हैं, बीजेपी वाले भी मानते हैं, सारे पार्टी के सारे आला नेता मानते हैं, आप नहीं मानते दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपके नजर में वो नहीं आता तो उसी से बारामती वालों देख लीजिए इनकी दृष्टि कहां तक है। तो इसका ज्यादा समर्थन या विरोध मैं करना नहीं चाहूंगा, बाकी अंजना जी आप पर बाजी कैसे पलटेंगे, और सीधा पीएम पर हमला है सबका। क्योंकि देखिए ये सीट सीधे जुड़ी हुई है केंद्र की राजनीति से, नीतियों से, कि विपक्ष के नेता आते हैं और देखिए फिर उसके बाद से अजीत पवार आपकी तरफ आए, उसके बाद से मामला जो फाइल है वो बंद हो जाता है धीरे से। सवाल बड़ा है, भ्रष्टाचार पर आप कहते हैं सख्त कार्रवाई कर रहे करिए, लेकिन अपनी पिच आप खुद कमजोर करते हैं जब आरोपियों को आप अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, इसकी गंभीरता समझाइए। बेसिकली देखिए हर वक्त एक ही चीज पे बात चल रही है, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं कि अभी ये बारामती का चुनाव लोगों के सामने है, आने वाले दिनों में लोग इस पर डिसीजन लेने वाले, लेकिन ये बारामती का जो निकाल है, इसका जो रिजल्ट आने वाला है, देश के लिए क्यों जरूरी है। जो राजनीति देश में पिछले 10-15 साल में बदल रही है, आप देखिए 70 साल में जो चल रहा था, 70 साल आप बस घोटाले की गिनती कर रहे थे, वो घोटाले सब अभी वॉश आउट कर दिए है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। पूरे पुराने घोटाले सब, कोयला घोटाला हो, सब कांग्रेस के जमाने में जो भी घोटाले हैं, वो सब मोदी जी के आने के बाद पूरे वॉश आउट हो गए। आप देख लीजिए ये सब घोटालों ने कांग्रेस को मिटा दिया, लेकिन अभी मोदी जी को जनता स्वीकार कर रही है। लेकिन ये बारामती के कुछ लोग हैं, इनको अगर उसी पे जाना है तो बार बार वही चीजें दोहराएंगे। मैं इसको एक ही बार बोलता हूँ, हाँ। कि बारामती का जो चुनाव है, अच्छा सुनेत्रा पवार के लिए प्रचार के लिए जा रही है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलते हैं, ताकत से जा रही है, जनता से क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल ताकत से जा रही है, ये चुनाव बोलते क्या जनता को? हम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को पता है। हम बता रहे हैं मोदी जी के नीतियों पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ बारामती तो उसका जवाब। फिर आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं सवाल। सही कहा कि मोदी जी के आने के बाद सच्चाई जनता के सामने आ गई। 2G के आरोपों में जब जज के सामने केस चली तो जज ने कहा मैं 7 साल 11 से 7 बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी नहीं आया, सब निर्दोषों के सही है कि जो आरोप किए थे गलत थे और केवल आरोप थे और हम छूट गए, वॉश आउट हो गए। और जिनके ऊपर इन्होंने आरोप किए, इन्होंने कहा
क्यों करेंगे? सुनेत्रा जी, सुनेत्रा भाभी का प्रचार क्यों करेंगे? सही कहा इन्होंने, ये तो फंसा रहे हैं सबको। जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग भाभी यानी सुनेत्रा पवार के साथ है, हाथ उठाइए। जो पीछे लोग हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि पता चलेगा। और कितने लोग हैं जो ननद यानी सुप्रिया सुले के साथ है? मुझे पता चल गया कौन से लोग इस तरफ है, कौन से लोग उस तरफ है। एक एक करके सवाल लेते हैं, एक एक करके। छोटा छोटा सवाल प्लीज, छोटा छोटा सवाल, फिर मैं आपके पास आऊं। नहीं नहीं, एकदम छोटा सा सवाल है। मेरा सवाल है अजित पवार गट के जो प्रवक्ता है, कि आपको 3 महीने पहले सिलेंडर सब महंगा लग रहा था, बेरोजगारी थी, सब थी। मोदी जी ने मध्य प्रदेश से ऐसा कौन सा इंजेक्शन दिया जिसकी वजह से आपको साक्षात्कार हुआ कि मोदी जी आप भगवान का अवतार है? ठीक है, जवाब दीजिए। अभी ऐसा साक्षात्कार नहीं हुआ है। आपका सवाल जो भी है उसका जवाब मैं देता हूं। आपने 2014 के बाद जो भी राजनीतिक हलचल हुई थी, जिसके बारे में अजीत दादा ने आपके बारामती में कई बार अपना मत रखा है, वो आपने सुना होगा। 2014 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, उसके बाद आपको सिर्फ 3 महीने पहले की बातें याद आती हैं, 10 साल पुरानी आती नहीं है। दुर्भाग्यवश। ठीक, दुर्भाग्यवश। पहले एक शेर सुनाना चाहूंगी सबको। यहाँ पे कविता और शायरी चढ़ गई है। चलिए, अच्छा तो देखने के बाद विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से बिल्कुल भी तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। मैं आप सबको जो भी सामने बैठा है, मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहूंगी। 15 साल से सुप्रिया सुले यहाँ पे काम कर रही है, 15 काम गिनवा दो, 15 काम हम मान जाएंगे। बारामती में तो पानी बिजली सबकी सुविधा है, लेकिन थोड़ी सी दूर यहाँ पर इस रोड पे जाइए तो बड़े बड़े ड्रम में लोग घरों में पानी रखने को मजबूर हैं। जो शरद पवार का गढ़ रहा, जो सुप्रिया सुले का गढ़ रहा, आप पानी आसपास के इलाकों में नहीं दे पाए अभी तक। किसका किसकी गर्दन पकड़े? वैसे तो अभी 2 सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ। इसको जो पूछा, अभी 3 महीने की बात चल रही मेरे है, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। पानी का सवाल, अभी पूरी महाराष्ट्र में अभी दुष्काल है, वो जो देख रहे हैं हाँ। वो गवर्नमेंट उधर ऐसे कैमरे लगा के बैठे हैं, वो मोदी साहब उधर आते ही नहीं, किधर भी नहीं जाएंगे वो। इधर के पालक मंत्री थे अजीत दादा पवार, जो अजीत दादा पवार खुद मोदी जी नहीं देखते इसे ड्रम में पानी रखना। डीसीएम वाले क्या बोल रहे हैं वो सुनो, वो सुनो, वो खुद क्या बोल रहे हैं देखो, बोले बोले बोल रहे देखो, देखो देखो खुद क्या बोल रहे देखो। ये इलेक्शन आवाज नहीं आ रही, हो गया। अभी अरे ड्रम में पानी क्यों भरना पड़ रहा है बताइए। पालक मंत्री इधर के 25 बरस तक अजीत दादा रहे हैं। आपके घर में तो पानी आता होगा, नल पुणे जिले में नल से जल, जो डैम बनाए नल से जल थे उस टाइम बनाए थे, अजीत दादा ने एक भी धरण नहीं बनाया। अजीत दादा ने 2-3 यहाँ कैंडिडेट है अलग अलग पार्टियों के, आपको क्या लग रहा है यहाँ तो भाभी और ननद की लड़ाई है कैसे? हेलो, 2 मिनट थांबा। अबे मैडम ने पूछ लिया भाभी और ननद की लड़त कैसे होगी। मैडम मैं सच बताता हूँ, मैं 20 साल से ये लोगों के आपोज में लड़ रहा हूँ, अभी भी आपोज में लड़ रहा हूँ, सब लोग इधर उधर जा रहे हैं। ये दोनों की लड़ाई क्यों लग गई कि इतना संपत्ति कमाया है कि दोनों की संपत्ति छुपाने के लिए वो लोग अलग अलग हो गए, ये लोग अलग अलग हो गए। अभी मैं पूछता हूँ, मैं शरद पवार गट के लिए भी पूछता हूँ और अजित पवार गट के लिए भी पूछता हूँ, इन्होंने कोऑपरेटिव सहकारी साकार क्यों नहीं निकाला? दूसरों की संस्था में उन्हें हाथ डाला, शिक्षण संस्था क्यों नहीं निकाला? राशन फुकट में बांट रहे ऐसी बीजेपी बोल रही, शिक्षा क्यों फुकट में बांट नहीं रही, क्यों शिक्षा फुकट में बांट नहीं रही? इसीलिए मैं खुद ऐसा ही चाहता हूँ, ये सब लोग एक साथ मिले रहे है और लोगों को फंसा रहे है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम खड़े हैं। अच्छी बात है, आप बताइए आपका क्या एजेंडा है? देखिए, पानी के बारे में अभी बात चल रही है मैडम, मैं आपको बताऊं, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में 827 टीएमसी का स्टॉक बारिश के बाद में होता है, और भारत में जितनी भी जगह है
कि पानी का स्टॉक होने की जितनी भी जगह है उसमें एक नंबर में पुणे डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता है, और मान के चलिए आपने जो बात बताई उसका नियोजन ही नहीं हो रहा है। इतना पानी है यहाँ, हमारा उजनी डैम करके एक डैम है 110 टीएमसी का डैम है, लेकिन उसको भरने के लिए हमने 2006 साल से जो टाटा के संपत्ति मान के चल रहे हैं, मुलशी डैम करके प्रोजेक्ट है, 40 टीएमसी पानी उसमें है, लेकिन वो पीने के लिए आना नहीं रहा। सही प्रबंधन कोई यहाँ पर करता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ जो आम लोग यहाँ पर है बीच में, मुझे जाने दीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा, आई एम सॉरी सर, थैंक यू। हाँ, कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहाँ पर, हाथ उठाइए, फर्स्ट टाइम। माइक देख के सवाल पूछ, हाथ उठा रहे थे मैं आई कि कम से कम कुछ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट नहीं? हाँ स्टूडेंट, बोलिए, सवाल पूछिए, आप नेता खड़े हैं, मौका है आपके लिए। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, नौकरी, मैं उन वो तो जो थे उधर उनका समर्थन करता हूँ कि सब राशन वो फोकट में बटवा दिया, लेकिन शिक्षा क्यों बटवा नहीं रहे, ये इनके लिए सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए और मेरे सब स्टूडेंट लोग के लिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल, शिक्षा आप देखिए, प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक शिक्षा, अभी यहाँ आरटीआई का एक्ट भी लागू है, ये शिक्षा भी मिल रही है। और एक जून, और जून से सुनो और जून से पूरे महाराष्ट्र के हर लड़की को एजुकेशन फ्री मिलने वाला है, हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल सब मिल रहा है। अच्छे दिन, दो सवाल। अच्छे दिन कहा गए मोदी जी के, अच्छे दिन कहा गए मोदी जी के। अगली बार अजित पवार घड़ी 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 आएंगे घड़ी। अरे तो एक सेकेंड, अरे तो अजित पवार तो डिप्टी सीएम है ही, उनको क्या बनाइएगा अगली बार? अजित पवार बनाए, बारामती का चेहरा मोहरा बनाए उसने, बारामती का चेहरा मोहरा बनाएंगे तो सुनेत्रा पवार क्या करेंगे? 5-15 वर्ष में कुछ नहीं किया उसने, प्रेस सुले ने कुछ काम नहीं किया। इधर पीछे आते हैं कुछ छात्र, इधर दिखाई दे रहे हैं आप खड़े। मेरा एक सवाल है बीजेपी और राष्ट्रवादी को, 70,000 गए किधर? अब इनके पास है या बीजेपी के पास है या राष्ट्रवादी के पास है? पवार साहेबांसाठी एक कविता म्हणतो, कविता बोलना आज सबको, आज सबको कविता सुनाना, मराठी में एक, जल्दी बोलिए सर, ठीक है। 70,000 किधर गए सिर्फ पूछो, 70,000 किधर गए? और मेरा बीजेपी को सवाल है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा सुविस्तर बताइए बीजेपी को, एग्रीकल्चर और शेतकरी कृषि धोरण के बारे में थोड़ा सा बोलिए, कृषि नीति क्या है आपकी उसके बारे में बोलिए। एक सवाल यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद आपने जो अभी सवाल पूछा कि पानी के ड्रम दिख रहे हैं, विकास राव मेरे फ्रेंड है, इनको भी पता है कि मैं उस गांव से आता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक साल रहेगा, एक साल के बाद अभी जो बारामती में पानी का जो बाजी दादा ने काम कर रहे हैं वो कम से कम 300-400 करोड़ का है। और सवाल क्या है, सवाल क्या आपका? नहीं, आप सवाल पूछिए। ड्रम दिख रहे हैं, पुणे के रास्ते में गए हम लोग, देखा सड़क किनारे लोग ड्रम रख रहे हैं, साल के बाद एक भी ड्रम नहीं दिखेगा क्योंकि अभी पानी का काम। सवाल नहीं आपके पास, सवाल नहीं है, सवाल। अंजना जी, पहले तो मैं आपका यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज यहाँ बारामती के पीच पे मैं भी एक महिला कैंडिडेट, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं सवाल करना चाहती हूँ मोदी सरकार को और कांग्रेस राष्ट्रवादी, जो यहाँ की महाविकास आघाड़ी और महायुति सरकार, अब तो सवाल है, शिवसेना और राष्ट्रवादी दोनों का स्प्लिट हो चुका है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महिलाओं का उत्पीड़न कब नहीं हुआ है, तो मेरा ये सवाल है कि ये कब खत्म होगा? और महाराष्ट्र की सरकार जब भी यहाँ होती है तो भी धनगर आरक्षण के ऊपर में, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो वोट बैंक है, यहाँ का धनगर वोट बैंक है, तो उसके ऊपर मोदी सरकार ने यहाँ आके बताया था कि धनगर आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आज तक घटना ठीक। एक सेकंड, अब कुछ सवाल है, आ रही हूँ इधर भी, आ रही हूँ, बैठ जाओ।
आपके साथ शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे, किसान कृषि नीति से लेकर बहुत सारे प्रश्न थे। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, कृषि नीति पे बीजेपी क्या कर रहा है, अभी क्या में डेवलपमेंट है। इससे पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। बोलिए। महाराष्ट्र का भी राजनीति देखा जाए तो पिछले 4 बार चीफ मिनिस्टर यहाँ पवार साहब रह चुके थे, देश में 5 बार वो एमपी चुनके गए, कृषि मंत्री रह चुके थे, 3 बार सुप्रिया जी अभी कॉन्टेस्ट करके 3 बार जीते, मतलब 8 बार 40 साल से ये फैमिली यहाँ राज कर रहा है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में पहले प्रधानमंत्री, पिछले प्रधानमंत्री के साथ जो काम किए वो पवार साहब ने कृषि नीति में जरूरी था। जो भी चीजें डेवलपमेंट करनी थी, बस एक बार कुछ भी नहीं। आप एक काम बताइए, जो कृषि नीति काम किया। दूसरी बात, अभी भाजपा का अभी बोलता हूं मैं, भारतीय जनता पक्ष ने हर किसान को, अरे बोलने तो दो, हर किसान के खाते में किसान को हेल्प देने के लिए हर महीने के लिए 1,000 रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, किसान को किसान कार्ड मिल रहा है, किसान को क्रेडिट मिल रहा है, किसान को डायरेक्टली पैसा उसके खाते में जा रहा है। जो एक हिंट तो दे देते, 48 सीटें महाराष्ट्र की ये तय करेंगी कि देश की दिशा क्या होगी। क्या 400 पार का दम जो भर रहे हैं वो मुमकिन हो पाएगा, या फिर आप लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग 300-400 पार जाएंगे वो होगा। 48 सीट्स, एक हिंट तो दे देते कि कितनी सीटें आ रही हैं आप लोग। देखिए, जो अभी विदर्भ में चुनाव हुआ उसमें गडकरी जी खुद हार रहे हैं और पांचों के पांचों सीट जो है वो कांग्रेस जीत रही है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 4 जून को लाइव करेंगे। लाइव मैं तो रहूंगा ही ना, पक्का मैं तो रहूंगा। और अगर गड़बड़ हुआ तो क्या कीजिएगा? देखिए ना, वो कह रहे हैं कि मेरा मार्जिन बढ़ेगा। आपने यह सवाल, एक मिनट, आपने यह सवाल पूछा बीजेपी से 400 पार करने वाले से, अगर गड़बड़ हुआ तो क्या कहिएगा? रोज पूछते हैं। हाँ तो ठीक है, वो जो कहेंगे वो मैं कह दूंगा। लेकिन दूसरी बात देखो, जुमला देखो, हमारी बहन ने बताया, अभी हमारी बहन ने बताया, धनगरों को फंसाया, हम मराठों को फंसाया और किसानों को भी फंसाया। बीच में नहीं, इन्होंने किसानों को भी फंसाया। एमएसपी के लिए 725 किसानों की शहादत हुई है और इस देश के प्रधानमंत्री ने लिख के दिया एमएसपी के लिए कमेटी बनाएंगे और उसको लीगल स्टेटस देंगे। हमारा नेता कहता है इंडिया का सरकार आएगा, हम एमएसपी लीगल करेंगे। हमारा नेता कहता है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इनका नेता बड़े बड़े धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ माफ करता है, किसानों का 8 लाख करोड़ कर्जा जो है वो माफ करना नहीं होता है। और आखिरी बात, शरद पवार साहब की इन्होंने बात की। जब शरद पवार साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सरकार हाथ में लिया और कृषि मंत्री बने, तब 70,000 करोड़ का बजट था इस देश का, 8,30,000 करोड़ तक का बजट लाया। जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद शरद पवार जी के साथ यवतमाल गए थे, 72,000 करोड़ की कर्जा माफी जो दी। जब हमारा 2.5 साल का सरकार था, हमने 19,000 करोड़ की कर्जा माफी जो है किसान को दी। और जब कोविड था तो किसान का दूध 10 लाख लीटर जो है वो रोज हमने लेने का काम किया। इन्होंने किसानों को रुलाने का काम किया, इन्होंने किसानों के हर बात पर जीएसटी लगाई है। ये बोल रहे हैं किसान को कर्ज माफी दे दी। मैं बोलता हूँ एक बात, याद होगा कि उसमें कृषि विषय पर प्रावधान जो किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में आपने जो सवाल यहाँ पर उठाया कि कई जगहों पर अभी भी लोग पानी के लिए लोग अभी भी झगड़ रहे हैं, पानी की उपलब्धता है नहीं, तो अंतरिम बजट जो सादर किया गया था उसी में केंद्र सरकार ने ये कोशिश की थी कि सरकार दोबारा आने के बाद जो बहुत वर्षों से नदी जोड़ का प्रकल्प है उस पर कार्रवाई होगी। अब इन्होंने अभी कहा कि इनके नेता जब सत्ता में आएंगे तब होगा, तो इनकी तो सत्ता आनी नहीं है लेकिन मोदी जी की जरूर आएगी और उसमें सुनेत्रा वहनी पवार यहाँ सांसद के रूप में जब वहाँ होंगी एक बार वो बोले उसके तो वो पर उस पर पहल करेगी और कार्य करेगी। जल्दी से जल्दी से, कृषि के बारे में बात चल रही है, मैं अजीत दादा गुट के लोगों को पूछ रहा हूँ, अभी देश के किसान के मंत्री कृषि मंत्री कौन है? जरा नाम बताओ कृषि मंत्री का नाम बताओ। 10 बरस में कौन कृषि मंत्री था? कोई कृषि मंत्री नहीं था। और एक सवाल, ये जो बीजेपी जो बीजेपी के इधर स्पोक्स पर्सन है, सुनो, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है इधर, अंजना जी बोलिए, वो जो स्पोक्स पर्सन बना रहे हैं, जो चीजें चल रही है अभी थोड़ी देर पहले बोले वॉश करके लाया, किसान 70,000 करोड़ की कर्ज माफी चल रहा है, बीजेपी वाले बोलिए, ऐसे में बोला आप लोगों को खिला रहे हो, पूरा
सहकार मिट्टी में मिला दिया, इनका पूरा सहकार मिट्टी में मिला दिया। ये बीजेपी वाले इतने झूठे आदमी है लोग। अभी कविता सुनाने वाले नहीं मैडम, क्या हुआ है, 10 साल पहले 2014 में जहां धनगर आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़े चल रहा था, उस ठिकान में आके ये देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ आके झूठ बोल के गए कि 10 दिन में 15 दिन में हम आरक्षण देंगे। आजकल वो नहीं मिला आरक्षण। अंजना जी, मैं मराठी में सबको ये बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मराठी मध्ये म्हटलं गेलं होतं कि वय झाल्यावर बैलाला बाजार दाखवायचा असतो, मग आता तीच नीती शरद पवार साहेब स्वतःवर का लावत नाहीयेत? यहाँ नहीं है कोई राहुल ममता। एक सेकंड भाई, शायरी हो रही है। अरे सुनो भाई, बड़ी मेहनत से याद किया। यहाँ नहीं है कोई राहुल ममता, यहाँ है सब आम जनता, और हमें सुनीता बताई पवार के साथ एक वादा। अजीत दादा हमारा घड़ियाल आएगा, हमारी बहू, हमारे बहू को हम, ये तो नेता ही है। चलिए आपको बता दे, छोटा सा मैं कांग्रेस के इनसे बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी जो बताया मोदी जी के बारे में, तो मेरा इनसे सवाल है कि कहा आपके राहुल गांधी गधा, और कहा अब सब मत बोलिए किसी भी नेता के लिए, ये ठीक नहीं है। ये मंच ऐसा है जिस पर आपको ऐसे शब्द का संभाल लिया, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बारामती की जनता का। आपको बता दे, 5 लोग मेरे साथ चलेंगे हेलीकॉप्टर राष्ट्र लक की शॉट में। आपको रोज का लकी नंबर बताना है, आज का लकी नंबर है 6। इस बीच आपको ये भी बता दे कि कल हमारा कारवा यहाँ से निकलेगा तो हम जाएंगे धुले, ओमकारेश्वर, खरगोन और फिर मध्य प्रदेश के इंदौर। देश के लिए देखते रहिए आज तक।